everyone, welcome back to your channel D Pharma Zenote. This video is D Pharma second year student, subject is our drug store and business management. Okay, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की. कॉपी पेन लेके जल्दी से आ जाइए सभी लोग. देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस काफी बार रिपीट किए गए हैं. आपके सामने ये जो पेपर दिख रहा है ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और ऐसे ही करके मैं 2015 तक का दिखाऊंगी आपको. देखिएगा इनमें से ही कितने सारे टॉपिक्स काफी बार रिपीट हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टॉपिक है तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट टॉपिक ये अभी देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है. ओके, तो इसको अभी नहीं लिखे, अभी इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, अब आइए सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चंस आंसर है उसको देखते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो जैसा कि यहाँ पे आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है और इंग्लिश में फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है. आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, कोई पूछ रहे थे कि इंग्लिश में आता है क्वेश्चन पेपर, हिंदी में नहीं आता है क्या. तो दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है पेपर आपका. जरूरी नहीं है सभी लोग अंग्रेज हैं. ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या चैनल्स हैं ये देखते हैं. तो यहाँ पे एक वो डायग्राम टाइप का एक बनाया गया है ग्राफ. ठीक है, उसी के द्वारा समझाया गया है, तो आप देख लीजिएगा इस टॉपिक को. अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी. अब देखिए नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेआउट. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग. ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामग्री नियंत्रण अधिनियम तकनीक. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा. इसी का आंसर चल रहा है यहाँ पे अभी. लॉन्ग क्वेश्चन ये देखिए, न्यू क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को. मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेल्फ प्रमोशन. ठीक है, डेफिनेशन, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा सेल्फ प्रमोशन के क्या डेफिनेशन है. ठीक, देखिए फार्मासिस्ट की भर्ती में प्रयुक्त तो होने वाले शामिल, ये सब लिखा हुआ है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन. बिजनेस मैनेजमेंट से है इसलिए इसमें बैंकिंग का भी पूछा गया है. ठीक है, मार्केट रिसर्च इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए. तलपट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको तो जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा. ट्रायल बैलेंस उसी के आ रहा है तलपट के अंदर में ही. ठीक है, लेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. एडवांटेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक लॉस, प्रॉफिट क्या है लेजर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो. बुक कीपिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा. खाते के प्रकार कितने होते हैं ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका वीडियो तो मैंने बना रखा है वीडी का, वाइटल सेंट्रल डिजायर. नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट बनाई है लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो उस पर अपलोड करूंगी. और भी आप लोग कमेंट करिए कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए. बजटिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. लीड टाइम इम्पोर्टेंट टॉपिक है. शॉर्ट क्वेश्चन में इन सबको पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये हो गया 18 का क्वेश्चन पेपर. अब आइए आगे का देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उन्हें आप लिखते जाइएगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेपर पे आ गए हैं. बिजनेस मीनिंग ऑफ बिजनेस, क्या मीनिंग है बिजनेस का, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ओके, नोट कर लीजिएगा सभी लोग. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट,
इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसी के अंदर ये डायग्राम आया। अब ये डायग्राम देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ड्रग स्टोर एंड ये भी ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। एक सरकारी कंपनी का ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट रिपीट हो चुका है, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा इस टॉपिक को। इन्वेंटरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक, इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखिए, फिर से तलपट वाला रिपीट हो गया है, तलपट वाला, इसको इम्पोर्टेंट तो जरूरी कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए आगे का देखते हैं, खत्म हो गया यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे लेजर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल के बारे में बताया गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिजनेस करेंगे अगर, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि कौन से क्या किस पे लागू हो रहा है, क्या है पूरा बिजनेस मैनेजमेंट है, तो बिजनेस के बारे में बताया गया अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहे हैं पीछे से उन्हें नोट करते जाइएगा। ओके, मार्केट रिसर्च रिपीट हो गया है क्वेश्चन टॉपिक। ओके, ये ड्यूअल एंट्री वाला भी टॉपिक रिपीट हो गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस पेपर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे नहीं होगा। ठीक, सेल्समैन स्लिप इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन ऑफ बैंक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो किन्हीं चार को करना है ना, तो इसमें देखिए काफी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, आप जरूर लिख लीजिएगा इन्हें। और जो टॉपिक बोलेंगे उसका वीडियो बना दूंगी, बजटिंग टॉपिक इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क है यहाँ पे। ठीक है, और टेंडर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बिजनेस के बारे में समझाया गया है, देखिए ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसका ये पूरा स्ट्रक्चर, तो इस क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको। पहले तो मैनेजमेंट लिखा रहेगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे 2014 वाला जो ईयर का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रिपीट हो चुका है कई बार। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइनली नोट करते जाइए कि आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये वाला टॉपिक भी काफी बार रिपीट हो गया है, आप लोग ने देखा ही अभी। ठीक, ये देखिए
यहाँ से लेके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी देखते हैं काफी बार रिपीट कौन से हुए हैं। तलपट क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आपके लिए। ओके, तो इसको बिना भूले अच्छे से, टेंडर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तलपट वाला टॉपिक, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और वीडी इसका वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया। ट्रेनिंग ऑफ फार्मेसिस्ट, ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे देख लीजिए टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जो टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की मैंने वीडियो ज्यादा नहीं बनाई है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, मी टू नेक्स्ट वीडियो।